हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी आयर्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज कैसे हो आप सब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जो हमारी डेली प्रेलम्स की क्लास है जिसमें हम डेली करंट अफेयर करते हैं करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू क्यू करते हैं ओके okay? सो so, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप इसे लाइक like कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने कनेक्शन में और सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी आए चैनल को अगर आप न्यू हैं तो और दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी अंकिता जिंदल गाइस हम दो क्लास लेते हैं एक सुबह नौ बजे जो अभी चल रही है और एक शाम को छह बजे क्लास होती है जिसमें हम ज्योग्राफी की सीरीज को करते हैं जी के ज्योग्राफी के सभी सिलेबस को हम कवर इसमें कर रहे हैं राइट अन अकेडमी प्लस पे अमन सर डेली रेगुलर क्लास लेते हैं जिसमें वो हिंदू एक्सप्रेस ये सब चीजें वो कवर कराते हैं करंट अफेयर शो के नाम से तो आप उन्हें ज्वाइन करना मत भूलिएगा अन अकेडमी ने आप लोगों के लिए अभी ऑप्शनल की कैटेगरी को सेपरेट कर दिया है यानी कि अब आप पूरी तरीके से ऑप्शनल पे फोकस कर पाएंगे ये सभी ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये फी स्ट्रक्चर है अगर आप थर्टी अक्टूबर से पहले ले लेते हो देन आपको सिर्फ जीएस के लिए पे करना है ऑप्शनल उसमें फ्री आएगा राइट right? लेकिन आप देर कर दोगे और थर्टी के बाद लोगे देन यू हैव टू पे सेपरेट फॉर द ई सब्जेक्ट स्टडी आयर्स का कोड यूज करना मैंडेटरी है ताकि आपको टेन का डिस्काउंट मिल जाए ये हेल्पलाइन नंबर है गाइस स्टडी आयर्स का आप यहां पे अपने कोई भी डाउट जो है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन डाल सकते हो हाय निशा हाय विजय Guys, एक बार शेयरिंग कर दीजिए अपने कनेक्शन में सो so दैट की सभी स्टूडेंट अपने साथ ऐड हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आसान कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली एडेड इन द रामसर साइट अभी हमने कल क्या था कि दो रामसर साइट जो है लेटेस्ट ऐड हुई है एक तो थी आपकी एक आसान थी और एक थी आपकी कबालम कुछ नाम से था

एक चीज एश्योर करना गाइज कि आप सब आंसर करो हाय विनय हाय पंकज आपको हर एक स्टूडेंट को आंसर करना है जस्ट डू इट नाउ क्या ये यमुना रिवर के संगम पे लोकेटेड है उत्तराखंड की पहली रामसार साइट है एंडेंजर्ड एक आ, एवियन स्पीसीज है पुटी तोरा महासीर वो यहां पे मिलती है डी कहता है सभी टू है ओके यू से डी राइट राइट आंसर डू फास्ट ये बड़ताल राइट में बोल रही थी कि के से समथिंग स्टार्ट था राइट इस क्वेश्चन को आंसर करिए थ्री इीन्स सी ओके राइट आंसर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो आसान कंजर्वेशन रिजर्व है वो फोर 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 हेक्टेयर में फैला हुआ आपके लिए जरूरत नहीं है लेकिन एक नॉलेज के लिए जरूरत है आसान रिवर है रनिंग डाउन टू इट्स कंफ्लुस विदुना रिवर इन डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड उत्तराखंड में एक रिवर है आसान रिवर और यमुना रिवर इन दोनों के संगम पे ये बना है सो इंपॉर्टेंट so होगा महाराष्ट्र में जो लेटेस्ट हुआ था एड वहां पर भी महाराष्ट्र में एक ही साइट है जो लेटेस्ट एड हुई है उसका नाम क्या है महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही रामसर साइट है उसका नाम बताइए थ्री थर्टी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग द क्रिटिकली रेड हेडेड यानी कि ये जो है, ये यहाँ पे मिलेंगे vulture, vulture, और ये सारे जो, आ, और है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी महाराष्ट्र का नाम बताइए रामसर साइट का सेकेंड थिंग रामसर साइट से रिलेटेड हम एक ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं उस क्लास को देखिए आपको उस सीरीज से उस क्लास से उसमें अन्य ट्रिक से याद करा है इस तरीके से ट्रिक से याद करा है कि आपको सारी रामसर साइट एक ही क्लास में याद हो जाएंगी आपको अगर मिल जाए तो ठीक है अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगी आप वहां से चेक करना रामसर इज वेरी इंपॉर्टेंट नंदुर मदमेश्वर राइट विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज ए पार्ट ऑफ अ मोन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड इन चारों में से मोन्ट्रियाक्स का हिस्सा कौन सा है मोन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉकटक लेक असान कंजर्वेशन रिजर्व चिलिका लेक और किो नेशनल पार्क राइट right कोड है वन एन फोर टू एन फोर टू एन थ्री थ्री एन फोर आंसर इट नंदूर मधमेश्वर सॉरी मॉन्ट्रियक्स का हिस्सा इन चारों में से कौन सा है वेटलैंड है ये चारों और मॉन्ट्रियक्स का कौन सा हिस्सा है आंसर इट। लॉकटक लेक असान कंजर्वेशन चिली का लेक या किओ ओके यू से ए बी डी कंफ्यूजिंग है एवरी वन मस्ट आंसर सी में नहीं है किसी को डाउट ए और बी और डी में डाउट है ओके गाइज राइट आंसर इज ए चिलीका लेक को तो रिमूव कर दिया ना चिली का लेक थी मॉन्ट्रियाक्स में थी बट 2002 में जब इसकी जो कंडीशन इंप्रूव हो गई तब इसको रिमूव कर दिया गया राइट right, तो चिली का तो होगी नहीं किो लादियो और लॉकटक लेक सिर्फ दो ही वेटलैंड है जो कि मॉन्ट्रियाक्स में इंक्लूड है वन एंड फोर ओनली सो ए विल बी ओर राइट आंसर गुड मॉर्निंग ओके आसान कंजर्वेशन तो अभी ही राइट रिसेंटली रामसर साइट बना है तो अभी ये वेटलैंड इसमें नहीं आया है मॉन्ट्रियाक्स में ओके okay? मोन्ट्रक्स वन एंड फोर ओनली मोन्ट्रिया क्या होता है ये एक रजिस्टर होता है यानी कि एक रजिस्टर में जाता है जो वेटलैंड होती है उनके लिए जो वेटलैंड वेटलैंड क्या होती है बॉडी लैंड बॉडी विच इज कवर्ड बाई दॉटर यानी की एक ये लैंड है उसके अंदर वॉटर अगर है तो इसको आप वेटलैंड बोलोगे बट अगर कोई वेटलैंड जहां पे बहुत सारी स्पीसीज रह रही हो ऐसी स्पीशीज रहती हो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और दूसरी तरीके से उसकी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है एट इंटरनेशनल लेवल उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है वहां पे बहुत सारी एवियन स्पीशीज आती हो माइग्रेटरी स्पीशीज आती हो तो ऐसी वेटलैंड को इंटरनेशनल का दर्जा दिया जाता है और उसे मॉन्ट्रियाक्स में रिकॉर्ड करा जाता है लिखा है ना वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर आर लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पोल्यूशन अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस इन सब की वजह से जो ये मॉन्ट्रियाक्स वेटलैंड होती है उनमें खतरा बन जाता है राम सार ही मोन्ट्रियाक्स को प्रिपेयर उसको प्रोटेक्ट उसको बनाता है

आंसर इट फास्टली इंडिया ने अपना पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है क्या ये जो सी प्लेन प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य एयर कनेक्टिविटी करना है बिटवीन द साबरमती रिवर और द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच में एयर कनेक्टिविटी शो करेगा सेकंड कहता है कि ये जो सी प्लेन है वो स्पाइस जेट के द्वारा ऑपरेटेड है थर्ड कहता है कि ये जो सी प्लेन है वो फिक्स विंग एयरोप्लेन है जो कि डिजाइन फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑन वॉटर जो कि वाटर पे से ही टेक ऑफ करेगा वॉटर पे ही लैंड करेगा डी कहता है नन अव कि कोई भी गलत नहीं है सभी सही है ओके यू सेट बी बी रॉन्ग है हाँ ये रोंग रॉन्ग आंसर पूछा है ना रॉन्ग बताना है यू हैव टू टेल द रोंग स्टेटमेंट टेंट आप लोगों को आइडिया आ जाता है कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करो और दूसरा डेली बेस पे आपकी तैयारी चल रही है प्रिलिम्स के लिए डेली क्लास ही चल रही है जो स्टूडेंट मेन्स दे रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि उनको करंट में क्या चल रहा है वो चीजें पता चल रही है राइट right? सो so वो अपने मेन्स में इंक्लूड कर सकते हैं एवरी वन मस्ट आंसर ओके बी और डी में डाउट है तो इसका आंसर होगा डी यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ओके okay? इंडिया का जो पहला सी एरोप्लेन सी प्लेन जो प्रोजेक्ट है वो एयर कनेक्टिविटी ही दिखाता है साबरमती रिवर जो अहमदाबाद में है और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन केवाड़िया जो केवाड़िया में है तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी शो करेगा सी स्पाइस जेट ने इसे करा है और फिक्स विंग है यानी कि वाटर पे ही टेक ऑफ करेगा वॉटर से ही लैंडिंग करेगा लाइक ये वाला है सी प्लेन प्रोजेक्ट सी प्लेन नाम ही सी है तो वो लैंड वाटर से रिलेटेड है ओके okay? इंडिया का पहला सी प्लेन गुजरात में है और ये कब से स्टार्ट होने वाला है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले दिन इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी है जैसे हमने बात करी है ओके सी नाइनटीन सीटर सी प्लेन है यानी कि uh, नाइनटीन लोग इसमें बैठ सकते हैं विच विल बी एबल टू तो अकोमोडेट फोर्टीन पैसेंजर जिसमें फोर्टीन पैसेंजर होंगे बाकी जो उसको मैनेज करने वाले होंगे वो सब होंगे नेक्स्ट फेज इससे जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें क्या होगा धरोई डैम विल कनेक्ट अंबाजी एंड शत्रुंजय डैम एंड तापी डिस्ट्रिक्ट इसका जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें तीन डैम हैं मनीषा uh, पोल यहाँ पे यूज नहीं हो सकता यूट्यूब ऐसी सर्विस नहीं प्रोवाइड कराता कि पोल हो सके अगर होता होगा इफ पॉसिबल देन आई विल डू श्योरली ओके धरोई डैम जो महसाना में है जो वो कनेक्ट करेगा अंबाजी और शत्रुंजय डैम को ठीक है इसके नेक्स्ट फेज की बात हो रही अभी है अभी सी प्लेन दो तरीके के होते हैं एक फ्लाइंग बोट होता है जिसे सी प्लेन हु सी प्लेन बोलते हैं और एक फ्लोट प्लेन होता है ये दो अलग अलग सी प्लेन होते हैं विद रेफरेंस टू द उड़ान स्कीम विच इज टू वन उड़ान से रिलेटेड आपको सही स्टेटमेंट बतानी है इट वॉज लॉन्च एज ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन टू थाउजेंड नाइन सेफोर्डेबल येट इकोनॉमिकली वायबल प्रॉफिटेबल फ्लाइट ऑन रीजनल रूट सो दैट फ्लाइंग बिकम अफोर्डेबल टू कॉमन मैन इवन इन स्मॉल टाउन द स्कीम इज ऑपरेशनल फॉर ए पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर बताइए उड़ान स्कीम तो कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कितनी बार ये न्यूज में आ चुकी है उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल नेम क्या है उड़े देश का आम नागरिक आंसर करिए इसको ओके यू से बी इसमें डी ऑप्शन रह गया है आप लोगों का यस यस आम नागरिक बी ओके तो बी इज अ राइट स्टेटमेंट और गाइज uh, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है डी आना था इसमें रोंग पूछा जाना था और ये टेन ईयर के लिए है सॉरी फॉर दैट ये क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे टेन ईयर वाली स्टेटमेंट सिर्फ यही गलत है बाकी कि दोनों ये स्टेटमेंट ठीक होंगी इसमें जी ओके okay, तो ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ही इसको बनाया है टू में बनी थी ये और इसका उद्देश्य है 10 साल तक ये चलने वाली है ऑपरेट ये 10 साल जिसका टाइम पीरियड है और ये कनेक्टिविटी कराएगी अनसर्व्ड और अनडिजर्वड एयरपोर्ट के लिए अनसर्व मतलब जहाँ पे पूरे दिन में सिर्फ एक ही फ्लाइट आती हो ऐसे एयरपोर्ट और जो अनडिजर्व एयरपोर्ट है उनके बीच में कनेक्टिविटी ये जो स्कीम है वो शो करेगी ठीक है उड़ान 3.0 पॉइंट जीरो एंड उड़ान 4.0 पॉइंट जीरो एम टू इंक्लूड सी प्लेन फॉर कनेक्टिंग वॉटर एयरपोर्ट अब इसमें सी प्लेन भी इंक्लूड हो जाएंगे 3.0 पॉइंट जीरो और फोर पॉइंट जीरो में सो दैट वाटर एयरपोर्ट को भी यूज करा जाएगा राइट ट्वेंटी लिखा है ओके आई एम सॉरी यस सो बी इज राइट फिर तो ठीक है फिर तो ठीक है सॉरी मुझे लगा वो सिक्सटीन ही है सॉरी Style, have been which इसमें जो रीजनल बॉडीज होती है वो किस किस एरिया को कवर करती है यूरेशियन ग्रुप को कैरेबियन बेसिन को मिडल ईस्ट को कोड है वन ओनली थ्री ओनली टू एंड थ्री या फिर ओला टू बताइए एफ की स्टाइल रीजनल बॉडीज हैं उसमें uh, किन ग्रुप को किस रीजन को किस एरिया को जो है इंक्लूड करा गया है कवर करा गया है यूरेशियन को कैरेबियन को या मिडल ईस्ट को ओके यू सिड्डी एवरी वन मस्ट आंसर ओके ओके डू फास्ट यस तो आप सब डी बोल रहे हो देन वाई आई इट राइट आंसर यूरेशियन कैरेबिन और मिडल ईस्ट तीनों इसमें एड ऑन है एफ ए टी एफ क्या है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यानी कि सभी सरकारों इसकी मेंबर जो कंट्री है उनकी सरकारों ने मिलकर इसको बनाया है इस्टेब्लिश नाइनटीन एटी नाइन में हुआ था और पेरिस में जब जी सेवन समिट हुई थी ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज की समिट हुई थी जी सेवन कंट्रीज के मेंबर कौन है जस्ट आंसर इट तो उसके द्वारा एफ को बनाया गया था इसका उद्देश्य यह है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है उस सबको रोकना ओके okay? या फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड थ्रेट होती है उनको रोकना उनको प्रोटेक्ट uh, करना यानी कि टू स्टेट स्टैंडर्ड एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर फॉर कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग राइट इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम रिसेंटली सीन इन न्यूज इट इज अंट इनिशियेटिव कंट्री आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा इंडिया एनर्जी मॉडलिंग मॉडलिंग फोरम के द्वारा बारे में IEMF। अब ये ज्वाइंट इनिशियटिव है किस किस कंट्री के बीच में है इंडिया चाइना के बीच में है इंडिया ईरान के बीच में है इंडिया यूएसए के बीच में है या फिर इंडिया और रशिया के बीच में है बताइए ये जो फॉरम है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फॉरम ये किन दो कंट्री के बीच में है चाइना रशिया यूएसए या ईरान इंडिया तो है ऑफशोर इंडिया तो है क्योंकि नाम ही बोल रहा है बट दूसरी कंट्री का नाम क्या है बी और सी अभी तक आए हैं ऑप्शंस <clears throat> राइट ओके okay. आप सब लोग रेगुलरली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना सी इज द राइट आंसर यूएसए और इंडिया के बीच में है सिर्फ सौरभ ने सही आंसर करा इंडिया और यूएसए के बीच में है मॉडलिंग फॉरम ओके ईरान चाइना यूएस रशिया कुछ नहीं है इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है जॉइंटली लॉन्च बाय द नीति आयोग एंड द एस ए आई डी यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अंडर द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इंडिया और यूएसआईडी uh, के बारे में इन दोनों के बीच में एनर्जी पार्टनरशिप चल रही है और उसी के तहत ये मॉडलिंग फोरम भी लॉन्च हुआ है ओके okay. गाइज अगर आप लोग रेगुलरली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आप सबके आंसर सही आने चाहिए अब आप देखिए आप खुद एनालाइज करिए कि बहुत से स्टूडेंट के आंसर बहुत गलत आ रहे हैं सो so, ये चीज का ध्यान रखिए या तो आप करंट अफेयर का सोर्स चेंज करिए या अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करिए या और ज्यादा डीप में जाइए क्योंकि क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है सो so आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से आप अपने करंट अफेयर को रेगुलर कर रहे हो सो so, उसपे ध्यान दीजिए कि कहां से आप कर रहे हैं हमें ये चीजें कम क्लियर हो रही है क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हो सो so, थोड़ा सा उस पर फोकस करो विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट आप लोगों का सोर्स क्या है प्लीज शेयर इट विद मी वंस एक बार शेयर करिए आप लोग कहां कहां से करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो क्या आप सेल्फ कर रहे हो या फिर किसी मैगजीन को फॉलो कर रहे हो कैसे कर रहे हो प्लीज शेयर इट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नो कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया एशियन रीजन है साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने सक्सेसफुली हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करा होपेटाइटिस बी इज कंट्रोल्ड वेन द डिजीज प्रस इज रिड्यूस टू लेस देन वन परसेंट अमंग चिल्ड्रन लेसाइव ईयर ऑफ एज पांच साल से कम तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हेपेटाइटिस भी तब कंट्रोल माना जाएगा जब एक परसेंट से भी कम केसेस आने लगे तब इसको मानते हैं कि कंट्रोल हो गया है ओके okay, सो so, आप पी भी आप सेल्फ करते हो या किसी टीचर का कर रहे हो अमसर इज बेस्ट बट साथ में रिवाइज भी तो करिए उन्होंने करवा दिया आपने कर लिया वो चीज समझ आई लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए उसको रिवाइज करिए ठीक है रिवाइज करिए क्योंकि वो रिवाइज बहुत जरूरी है आप ऐसी चीजें नहीं हो रही है हिंदू और पीआईबी दोनों करना बहुत जरूरी है हिंदू को करिए एनालाइजिंग पावर को तेज बढ़ाइए अपनी एनालाइज करिए सोचिए माइंड में कि ये न्यूज आई है तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है उसको एनालाइज करिए ओके okay? तो मेंस में अभी आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिलने वाली है हिंदू करिए और मंथली बेस पे मंथली बेस पे यानी कि एक मैगजीन भी कोई ले लीजिए कोई एक मैगजीन ले लो ताकि पूरे मंथ के बेस में यानी कि लास्ट के मंथ के लास्ट में आप उस मैगजीन को दो या तीन दिन लगाओ एक दो घंटे लगाओ और उस मैगजीन को रिवाइज कर डालो क्योंकि आपने रेगुलर बेस पे आप करंट अफेयर कर रहे हो तो वो चीजें बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाओगे ओके तो उसको भी लेना जरूरी हो जाएगा और रेगुलर बेस पे करंट करते हुए एक या दो घंटे रिवाइजन रिवीज़न के भी दीजिए ओके क्योंकि ऐसे हो जाएगा आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात हो जाएगी पीछे सब भूलते जाओगे आप लोग और आगे आगे बढ़ते जाओगे तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए इसका भी आंसर कर दो क्वेश्चन का डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी कंट्री ने हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल नहीं करा है हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल तब माना जाएगा जब पांच साल से कम तक के बच्चों में एक परसेंट से कम एक परसेंट से भी कम केस आने लगे इतना डिजीज का कंट्रोल कर लिया जाए तब इसे कंट्रोल माना जाएगा विच इज द राइट वन डी ओके okay, दोनों गलत हैं ओके okay, बोथ यानी कि यू सेट सी आंसर इट गाइस फास्टली आंसर करिए सी ओके राइट सी इज आंसर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ओके okay हैं ने ये बात सही बोली है मतलब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने अभी तक हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह कंट्रोल करा गया हो और कंट्रोल करने का क्राइटेरिया ये है बांग्लादेश भूटान नेपाल एंड थाईलैंड बिकम द फर्स्ट वो कंट्री डब्ल्यू एच ओ साउथ ईस्ट एशियन रीजन हैव बिन सक्सेस्वली, है सक्सेस्वली कंट्रोल हेपेटाइटिस बी जो बांग्लादेश है भूटान है नेपाल है और थाईलैंड है वो ऐसी पहली चार कंट्री बनी है डब्ल्यू के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जिसने ये कंट्रोल कर लिया है हेपेटाइटिस बी को द वायरस इज से टू बी कंट्रोल्ड इसका आंसर टू ओनली आने वाला है ओके ओके सो टू ओनली विल बी योर आंसर क्योंकि चार कंट्री ने कवर कर लिया है वायरस जो है कंट्रोल्ड होगा व्हेन द डिजीज प्रस इज कंट्रोल वही है जो हमने बात करी है अभी है ये गोल्डन ट्रायंगल इज लोकेटेड इन द एरिया वेयर द बॉर्डर ऑफ थाईलैंड म्यांमार लाओस मीट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रुआक एंड मिकोंग रिवर गोल्डन क्रीसेंट ओवरलैप बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ऑफ ईरान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान गोल्डन क्रीसेंट एरिया हैज बीन प्रोड्यूसिंग ओपीएम सिंस मच अर्लियर देन द एरिया मार्क्ड बाय द गोल्डन ट्रायंगल इन दोनों के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप इसको आंसर कर पाओगे ट्राइंगल क्या है और क्रीसेंट क्या है विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट वन ओनली वन एंड टू वन टू थ्री वन एंड थ्री ओनली गोल्डन जो ट्राइंगल है वो बॉर्डर है यानी कि थाईलैंड म्यांमार लाओस इन तीनों कंट्री ने मिलकर ट्राइंगल बनता है और ये मीट करते हैं एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रुआक एंड मिकोंग रिवर ओके फिर कहता है कि जो गोल्डन क्रीसेंट है वो ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है सी कहता है थर्ड कहता है कि ये ओपीएम को बहुत पहले से प्रोड्यूस कर रहे हैं मच अर्लियर देन दाइंगल यानी कि क्रीसेंट बहुत पहले से एस्टैब्लिश है बहुत पहले से ओपीएम की प्रोड्यूसिंग कर रहा है उसको प्रोड्यूस कर रहा है ट्राइंगल तो बाद में आया है बताइए सी ओके वन टू थ्री राइट बताइए फास्टली आंसर सो राइट स्टेटमेंट सी बिल्कुल आप सब सही हो, तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी थी कि कोल्डन जो क्रीसेंट है वो पहले से ही प्रोड्यूस कर रहा है ओपीएम को ट्रायंगल से तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा गोल्डन ट्रायंगल में तीन कंट्री आएंगी म्यांमार लाओस और थाईलैंड जो साउथ ईस्ट एशिया की है मेन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है और ये नार्कोटिक्स की सप्लाई भी करता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में गोल्डन क्रीसेंट में अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान है दैट इज अ प्रिंसिपल ग्लोबल साइट फॉर ओपियम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैप में देखते हैं ये है थाईलैंड ये है लाहौस और ये है म्यांमार ये तीनों क्या बना रहे हैं बना रहे हैं, लाइक इन वे, इस साइड देखोगे ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये इस तरीके से क्या बना रहे हैं क्रीसेंट बना रहे हैं अर्धचंद्र बना, बना रहे हैं, हैं। ओके सो so, ये चीज विजिबल होगी आप लोगों को ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान थाईलैंड लाओस और म्यांमार गाइज ये वाला जो रीजन है इसकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन uh, नहीं प्रैक्टिस हो पाते हैं मैपिंग के सोल्व नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए ये है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो कोई भी टॉपिक देख रहे हो कोई भी एरिया देख रहे हो न्यूज में देन तभी मैप पे जाइए गूगल करिए तभी देखिए वो कहाँ है लोकेशन और उसको माइंड में बिठा लीजिए ओके okay? अगर मान लिया थाईलैंड आया न्यूज में किसी भी कोई भी न्यूज चल रही है थाईलैंड की पॉलिटिकल न्यूज चल रही है कुछ भी चल रही है तभी पहले जाइए थाईलैंड को चेक करो है कहाँ ये थाईलैंड यहाँ पे आ गया इसकी बाउंड्री चेक करिए यानी कि म्यांमार लाओस और कंबोडिया सिर्फ तीन कंट्री है उनसे ही जो है बाउंड्री बना रहा है इसके नीचे गल्फ ऑफ सियाम है राइट फिर साउथ चाइना से स्टार्ट हो जाएगा थाईलैंड के नीचे एक मलेशिया यानी कि मलेशिया कंट्री है वो भी इसके साथ बाउंड्री बना रही है तो इस तरीके से पहले इसको मैपिंग को चेक कर लो तब उस न्यूज को पढ़ लेना वो न्यूज क्या कह रही है अब इसके साथ आपकी दो दो चीज कवर हो जाती है मैपिंग भी प्लस न्यूज भी ओके आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा देन रिसेंटली एनिक मचाना एक स्नेक है ये एक ओल्ड फैमिली फिश से बिलोंग करती है और जिसको ड्रैगन स्नेक हेड बोलते हैं इट इज अज्यूम दैट दे ओरिजिनेटेड इन द गोंडवाना लैंड विच लेटेस्ट स्प्लिट इन टू द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका और यह माना जाता है कि यह जो फिश है वो गोंडवाना लैंड में कितने सालों पहले की बात हो रही है तब ओरिजिनेट हुई थी और उसके बाद एशिया अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ये स्प्लिट हो गई है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन बताइए एनिंग मचाना गोलुम एक फिश है अभी केरला से स्पोर्ट हुई है अभी उससे रिलेटेड सही आंसर क्या है एवरी वन मस्ट आंसर डू फास्ट गाइस थोड़ा जल्दी करिए C, B, OK. दोनों सही है, एक फिश है, जो से हुई है और फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है ड्रैगन स्नेक है। और ये में ही originate हुई थी और एशिया अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में स्प्लिट हो गई तभी अब ये एशिया और अफ्रीका दोनों जगह मिलती है और अभी अभी जो इंडिया में अगर बात की जाए तो केरला में स्पॉर्ट हुई है इट लिव्स इन अंडरग्राउंड एक्वीफर यानी कि पानी के बहुत नीचे रहती है अंडरग्राउंड रहती है इसका नाम गोलम कहाँ से पड़ा है लॉर्ड ऑफ द रिंग एक मूवी है पे पे इसका वर्ड था गोलम उसके नाम से इसका नाम पड़ा है और द लॉर्ड ऑफ द रिंग द फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्वेलिंग फिश फ्रॉम द स्नेक हेड फैमिली और इसका नाम भी अब ये क्या पड़ गया द लॉर्ड ऑफ द रिंग ओके सी इज द राइट आंसर बी इज नॉट देयर गीता

ओके सो इससे रिलेटेड सही स्टेटमेंट क्या है वो बतानी है आप लोगों को मेक्सिको से रिलेटेड इक्वेटर पास फ्रॉम द मेक्सिको मेक्सिको से इक्वेटर पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द कंट्री या नन ऑफ दबाव आपको सही स्टेटमेंट बतानी है ये yes, मन की बात में थी ये न्यूज बिल्कुल उन्होंने बोला था कि जो ये खादी ये खादी जो है वो वहां पे बुनी जा रही है ओक्साका में इसको बताइए अब मेक्सिको है कहाँ है ये मेक्सिको पता होना चाहिए ये न्यूज आई ना मेक्सिको के बारे में न्यूज आई अब उससे रिलेटेड आपको मैप पे जाना चाहिए था एक्चुअली मैप मेक्सिको है कहाँ ठीक है उसके आसपास की इंफॉर्मेशन या ये जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह इनके बारे में जानना चाहिए था अभी आंसर करिए ये सारी चीज़ें गाइज हम जोग्राफी की सीरीज में भी कर रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है और इनके होने से क्या फर्क पड़ता है ये सारी चीज़ें हमने सीरीज में करी हैं तो अगर आपकी ज्योग्राफी आपको ये लगता है कि उसमें डाउट है तो उसको चेक करिए आंसर करो करोगाइज ओके बी एवरी वन मस्ट आंसर सभी आंसर करिए बी यस राइट बी इज द राइट आंसर टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास करती है आप लोगों को वैसे भी याद हो जाएगा जो इक्वेटर है वो ब्राजील से कर रहा है ब्राजील के पास में एक हमने याद किया था पहले गेलापगौज आइलैंड है है ना साउथ अमेरिका के कोने पे है गेलापोग आइलैंड वहां से इक्वेटर पास करता है तो मेक्सिको तो ऊपर आ जाएगा तो वहां से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगी ये है मेक्सिको जो कि यूएस के बिल्कुल नीचे है ये सारा आप जो देख रहे हो यहां है गल्फ ऑफ मेक्सिको और, और ये जो आप लाइन देख रहे हो दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इसको यहां से इस तरीके से पास कर रही है ओके और इसके साइड में ही एक बाजा पेनिनसुला है वहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता था कि बाजा पेनिनसुला से भी इक्वेटर पास सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है या नहीं तो यस वो करती है हम्म बिल्कुल नीचे की जगह वो है इसके यहाँ अगर आप लोग देखो तो इस वाले रीजन में क्या है ये है कैरेबियन सी कैरेबियन सी इक्वेटर के पास में ही है इक्वेटर वहीं से जाता है ओके ये चीज क्लियर है इस तरीके से आपने मैप को तभी की तभी देखना होता है रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी है इट इज लॉन्च बायोवेशन मिशन इन एसोसिए एसोसिएशन विद आई आर ओ इट विन आईडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इट विल फोकस ऑन इम्प्रूव इकोनॉमी कंडीशन ड्यूरिंग कोविड ए एंड बीज ट्रू बताइए इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने मिले सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्ट करी है अब यह बताना है आपको पहली कहते हैं कि एम अटल इनोवेशन मिशन प्लस सीएसआईआर जो ऑस्ट्रेलिया की है इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है कि नहीं सेकेंड कहता है कि इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई और उसके डेवलपमेंट पे फोकस करेगा थर्ड कहता है कि ये जो है इकोनॉमी जो कंडीशन कोविड के टाइम पे जो कंडीशन खराब हो गई है इकोनॉमी की उसको इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा ओके okay. डी कहता है पहले दोनों सही है डी सी गलत है डी इज ट्रू ओके अकॉर्डिंग टू यू सब आंसर करो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी है इकोनॉमी का मतलब होता है कि लाइक आपने आ, कोई भी चीज है प्रोड्यूस करा पहले प्रोड्यूस करने के बाद उसको सेल करा सेल के बाद कंज्यूमर ने लेकर उसे यूज करा अब यूज करने के बाद वो चीज खराब है अब उसे डस्टबिन में जाएंगे लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी के तहत तो उसको रिसाइकल करा जाएगा लाइक पेपर है अगर पेपर को बेच दिया बेचने के बाद उस पर रिटर्न वर्क कर लिया वो खराब है उसको डस्टबिन में, में डाल दो बट इकोनॉमी से क्या होगा कि उसे रिसाइकिल करा जाएगा री करा जाएगा और फिर से मैन्युफैक्चर करा जाएगा और वो सारा प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा दैट इज नॉन एज अ सर्कुलर इकोनॉमी सो आप सबने बोला सी और डी हम्म डी इज अ राइट आंसर ऐसा कुछ नहीं है ये इकोनॉमी कंडीशन जो कोविड की वजह से खराब हुई है उस पर फर्क नहीं डाल रहा है ठीक है सो डी विल बी राइट आंसर अटल इनोवेशन मिशन ने ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर से लॉन्च करा है जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन होते हैं स्टार्टअप और एमएसएमई दोनों नेशन के मिलकर इन इन चीजों पे इनोवेटिव सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे ओके इसमें इस, में, इस में चार की थीम्स होंगी चार टॉपिक हो गए पे ज्यादा फोकस करा जाएगा इनोवेशन इन पैकेजिंग रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट यानी कि पैकेजिंग में किस तरीके से इनोवेशन लाए जाए नए नए आइडियाज लाए जाए और पैकेजिंग जो वेस्ट होता है उसको कम करा जाए इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन अवॉइडिंग वेस्ट वेस्ट ना हो और सप्लाई चेन को इम्प्रूव करा जाए क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जाए रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट और ये भी है कि जो क्रिटिकल एनर्जी मेटल है उसको रिसाइकल करा जाए और ई e वेस्ट जो होता है लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है कैमरा हो गया मोबाइल्स हो गए लैपटॉप हो गए इन सबको भी रिसाइकिल करा जाए ओके okay? वर्ल्ड पोलियो डे वॉज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट इट जो वर्ल्ड पोलियो डे है वो ट्वेंटी फोर अक्टूबर को सेलिब्रेट करा जाता है और इस साल भी करा गया उससे रिलेटेड सही स्टेटमेंट क्या है पोलियो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन स्प्रेड मेनली थ्रू द फेशियल ऑरल रूट और लेस फ्रीक्वेंटली बाय अ कॉमन वीकल इंडिया शोज डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेज ऑफ पोलियो कोड क्या है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन बताइए स्टेटमेंट को पढ़ने की बात है बस इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ एनालाइज करने की नहीं है बस पढ़िए एक बार ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है यू हैव टू टेल द ट्रू वन सो आपने बोला बी इज द ट्रू आंसर ओके बी, ओके, ओके, राइट ए इज़ राइट आंसर पोलियो से नहीं पता क्या आप लोगों को कि इंडिया पोलियो फ्री हो गया है इंडिया में डिक्रीज क्या अब तो केसेस ही नहीं है पोलियो के पोलियो फ्री है इंडिया 2014 में ही हो गया था छह साल हो गए, इंडिया पोलियो फ्री हो गया है यानी कि अब यहाँ पे कोई पोलियो से रिलेटेड केसेस नहीं आते हैं ठीक है तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ट्रेंड का कोई मतलब ही नहीं बनता इंडिया पोलियो फ्री हो गया है सेकेंड थिंग क्या है जो पोलियो पोलियो वायरस है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है लाइक like फेशियल और ओरल रूट से लेकिन कॉमन व्हीकल का मतलब कि अगर किसी का झूठा खा लिया तो उससे नहीं होता यानी कि झूठा नहीं बोलेंगे प्ले, एक ही अगर प्लेट में खाना खा लिया अगर उसी व्यक्ति जिसको पोलियो है और दूसरे ने खा लिया तो ट्रांसमिट नहीं होगा ओके बाकी वैसे सब ठीक है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट ही होता है वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा इस्टब्लिश हुआ था जो कि कब टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जोनस सोक हु डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो मिलेटिस जोनस सोक है जिसने पोलियो पोलियो के खिलाफ एक वैक्सीन को डेवलप करा था और उन्हीं के नाम पे वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट हुआ था उन्हीं के जन्मदिन वाले दिन ये पोलियो डे मनाया जाता है डब्ल्यू एच ओ ने यह बोला कि पोलियो जो है वो हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो जल्दी फैलती है वायरल डिजीज है विच अफेक्ट यंग चिल्ड्रन जो जो पांच साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको ये इम्पैक्ट डालता है 2014 में ही साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो कंट्रीज हैं उसमें से इंडिया जिसका पार्ट है डब्ल्यू ने उसे पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट दे दिया था लेकिन ये बात भी है कि जो बांग्लादेश है पाकिस्तान है ये वाली जो कंट्रीज है ना इनमें पोलियो के केसेज अभी हैं क्योंकि ये जो पोलियो वायरस है वो भी ट्रांसमिट हो रहा है पर्सन टू पर्सन स्पेशली अगर बच्चों की बात करें बड़ों में ये इतना नहीं होता यंग चिल्ड्रन में केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में बांग्ला में और इसके अलावा जो कंट्रीज है उनमें ये केसेस आ रहे हैं तो हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां से ये पोलियो ट्रांसमिट होके हमारे यहाँ पे आ जाए हम कोविड से पहले ही परेशान हैं इससे ये चीज और नहीं आनी चाहिए ओके तो गवर्नमेंट इसके लिए अभी स्टेप ले रही है कि इंडिया में पोलियो ना आए दोबारा गुजरात के कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम जुडिशियल प्रोसीडिंग सेलेक्ट द राइट वन गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो पहला ऐसा कोर्ट बना है जिसने लाइव स्ट्रीमिंग करी है वहां पे जो भी प्रोसीडिंग होगी वो लाइव टेलीकास्ट होगा यूट्यूब चैनल पे सो so, उससे रिलेटेड आपको सही बताना है विच इज द टू वन जो लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग होती है वो राइट टू एक्सेस जस्टिस का एक ही एक हिस्सा है अंडर द आर्टिकल नाइनटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट वॉज कंसेप्चुअलाइज विज़न टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन जुडिशरी बाई आईसीबल एनेबलमेंट ऑफ कोर्ट बताइए सही आंसर क्या है लाइव स्ट्रीमिंग जो हिस्सा है वो आर्टिकल 19 के अंदर एक्सेस जस्टिस का हिस्सा है सेकंड कहता है कि जो ई कोर्ट मिशन मोड जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य ये है कि जो इंडिया की जो जुडिशरी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए उसका नजरिया एक अलग ही हो जाए बाय आईसीटी, एनेबलमेंट ऑफ कोर्ट सी ओके ध्यान से क्वेश्चन को देखिए पढ़िए समझिए आंसर करिए सी आप सब बोल रहे हो बी आप बोल रहे हो राइट आप लोगों को बताना है बी ओके वेलकम अजय प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम बी और राइट सो यस बी इज अ राइट आंसर बी बिल्कुल सही है क्योंकि ए गलत है आर्टिकल नाइनटीन नहीं आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर ये चीज है राइट टू एक्सेस जस्टिस कि आपको अधिकार है जस्टिस पाने का ये जो राइट है वो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आता है दूसरी बात ये जो राइट है वो आर्टिकल 21 के के अंदर आता है ना कि 19 के अंदर ओके सो फर्स्ट गलत हो जाएगा सेकंड विल बी ट्रू स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस आया था ट्वेंटी में तब उन्होंने बोला था कि जो एपेक्स कोर्ट है उनकी जो प्रोसीडिंग है वो लाइव जानी चाहिए यानी कि सारी दुनिया देखनी चाहिए कि किस तरीके से एपिक्स कोड काम कर रही है और ये जो चीज आएगी राइट टू एक्सेस जस्टिस वो आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन होगी लिखा है ना राइट टू एक्सेस जस्टिस कवर अंडर द आर्टिकल 21 ओके इससे क्या होगा अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो क्या होगा इससे देखो ट्रांसपेरेंसी ब्रिंक ट्रांसपेरेंसी आएगी जुडिशरी सिस्टम में एक्सेस टू जस्टिस हर एक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार होगा लॉयर पे एक चेक बना रहेगा कि वो कोर्ट रूम के अंदर क्या कर रहे हैं उन पे एक नजर बनी रहेगी दूर दू, दू, देशों से दूर जगह से जो लोग आते हैं केस के लिए लाइक तमिलनाडु केरला से जो यहाँ पे लोग आते हैं दिल्ली वगैरह में अपनी हियरिंग के लिए तो इतनी दूर आने की उन्हें जरूरत नहीं है वो लाइव ही सब कुछ हो जाएगा ओके तो ये सारे बेनिफिट हैं जो इससे मिलने वाले हैं इलेक्शन कमीशन हैज फाउंड फॉर्मर एमपी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर है रिमार्क ऑन वुमेन पॉलिटिशियन वायोलेटिव ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने यह पाया है कि जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक वुमेन को एक वुमेन पॉलिटिशियन है उनको बोला है कि इसने मॉडल ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करा है उनके रूल्स को तोड़ा है सो so, अभी आप लोगों को यह बताना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ओके okay? न्यूज थी ये नॉर्मल normal, नॉर्मली ये न्यूज थी अब आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उसके बारे में बताना है इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट प्रायर टू इलेक्शन इट गिव्स द पावर टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इट ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑन विच द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस द डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट डी कहता है ओला टू बताइए सही क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वेरी यूजुअल क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ओके यू सेड डी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सभी बताइए सिर्फ अभी तक 50 परसेंट स्टूडेंट ने ही आंसर करा है रेस्ट 50 परसेंट को क्या करना है चलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डीज ये बिल्कुल सही है यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी कि ये पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करने के लिए और जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन से पहले कोई भी उद्गम ना मचाए उनके लिए ये गाइडलाइंस इश्यू करी जाती हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लिए चीज होती है कि अगर मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा तो वो अपने फ्री और फेयर इलेक्शन करा पाएंगे थर्ड ये होता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल की डेट जारी हो गई तब से लेके जब तक रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है तब तक ये चालू रहता है बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ओके हैं ओरिजिन एमसीसी का 1960 में हुआ था 1960 में केरला की असेंबली इलेक्शन में ये स्टार्ट हुआ था फिर उन्नीस में लोकसभा में भी इसको इंप्लीमेंट कर लिया गया ईसीआई इसीआई सर्कुलेटेड द बॉडी उसके बाद सभी पूरी ऑल ओवर द कंट्री में इसको अच्छे से फॉलो करा गया ओके चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुनामी सुनामी क्या है सुनामी क्या है uh, उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है द वे जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर मूवमेंट आर कॉज बाय अर्थक्वेक लैंड एंड वोल्कैनिक इरप्शन दे फ्रिक्वेंटली अकर इन पैसिफिक वे डेंस ऑशनिक प्लेट स्लाइड अंडर द लाइटर कॉन्टिनेंट प्लेट डी कहता है ओला ट्रू सुनामी किस तरीके से आती है उससे रिलेटेड आपको ये तीन स्टेटमेंट है उनको आंसर करना है ओके डी सभी डी को ही बोलेंगे सॉरी सी फ्लोर में जो मूवमेंट होती है सी के अंदर फ्लोर पे जो मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से वेव जनरेट होती है फर्स्ट सी कहता है जो मूवमेंट जनरेट होते हैं वो अर्थवेक लैंडस्लाइड और वोल्कैनिक इरप्शन की वजह से होती है सी कहता है कि जनरली पैसिफिक रीजन में जो है सुनामी वगैरह आती रहती है क्योंकि वहां की जो ओशियन की प्लेट है वो डेंस है हेवी है स्लाइड अंडर द लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो लाइट वन है ओके यस डी इज द राइट आंसर ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल फाइन है सुनामी वेरी डिफरेंटली इन डीप वॉटर इन शेलो वॉटर एज देर स्पीड इज रिलेटेड टू द वॉटर डेप्थ यानी कि जो सुनामी की जो वेव्स होती हैं उनकी स्पीड वेरी करती है अगर वो डीप वॉटर में है तो उनकी स्पीड अलग होगी और जो सर्फेस पे है तो अलग होगी पैसिफिक में जनरली इसीलिए आती है क्योंकि जो ओशनिक प्लेट होती है वहां के रीजन की जो ओशनिक प्लेट है वो कंपेरिजनली हैवी है कॉन्टिनेंट के बाकी कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइटर वन है उसकी थिकनेस कम है वे लाइट है और जो ओशनिक प्लेट है वो हैवी है राइट वेन दीज प्लेट फ्रैक्चर देन दे ए वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर जब अर्थक्वेक आएगा हमने जोग्राफी में भी करा था अर्थक्वेक कब आता है ट्रांसफॉर्म में होता होता है जब प्लेट्स का जब ट्रांसफॉर्म होती है प्लेट्स तब अर्थक्वेक आता है ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनमें एक फोल्ट जनरेट हो जाता है लाइक like दो प्लेट अगर इस तरीके से मूव करेंगी लाइक like एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है एक दूसरे को ड्रैग करेंगी तो उनमें एक फोल्ट जनरेट हो जाता है फोल्ट को ही हम लेमन लैंग्वेज में क्रैक बोलते हैं ओके okay, वो जो क्रैक होता है उसी की वजह से जो सी फ्लोर पे मूवमेंट देखने को मिलेंगे और फिर जो वेव हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी उनकी स्पीड और फिर सुनामी आने के खतरा हो जाता है ओके दैट अलाउ ए क्विक एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सॉलिड अर्थ टू ओशन उसके बाद सॉलिड अर्थ से ओशियन की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है और सुनामी आ जाती है इन कंटेक्सट ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कोइस विच इज ट्रू वन इसके लिए बताइए सही क्या है इन क्वॉइज से रिलेटेड

इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम ओके आपने बोला बी ठीक है राइट आंसर करिए सभी बी और सी यानी कि डाउट है अभी एवरी वन आंसर मनीषा लीजेंड सौरभ करिए भाई सी सो जो इनक्वाइस है इंडियन नेशनल सेंटर है फॉर ऑशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये 99 में ही बना था ओके मिनिस्ट्री ऑफ आर साइंस के अंदर ही आता है सो सी विल बी योर राइट आंसर बाकी इसरो और तीनों ने मिलकर काम कर रहे हैं नाविक पर तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इनकोइस नाइंटी नाइन में बना मिनिस्ट्री ऑफ आर साइंस में इट इज अ इनकोइस थ्रू इंडियन सुनामी अर्ली व, अर्ली वार्निंग सेंटर नोडल एजेंसी है टू प्रोवाइड सुनामी एडवाइजरी टू इंडिया सुनामी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन uh, होती है वो इंडिया को प्रोवाइड ये कराता है इट आल्सो मेड इम्प्रूवमेंट इन ओवरकमिंग क्लाउड कवर टू यूसेज ऑफ जियो स्टेशनरी साइट एंड नुमेरिकल मॉडलिंग इसकी वजह से जो क्लाउड कवर अगर आने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेक्स बाउंड्री विद द सुडान सुडान न्यूज में है राइट right. अभी इसराइल सूडान और यूएस के बीच में जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट थे वो थोड़े ठीक हो रहे हैं दैट्स वाई सूडान न्यूज में था अभी सूडान किस कंट्री आ, ये इनमें से कौन सी कंट्रीज के साथ बाउंड्री बना रही है इजिप्त सोमालिया लीबिया चढ़ या येमेन अब आप देखोगे कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन ये मैप क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से ओल राइट सो रेगुलरली क्लास को फॉलो कीजिए आपका करंट अफेयर हो जाएगा मैप प्रैक्टिस भी होती चलती है यहाँ पे और आपका डेली बेस पे करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवरेज यहाँ पे हो रही है ओके वन टू एंड फोर एलिमिनेट एनिमिनेशन फ्रॉम फाइव ये मतलब ये नहीं है ओके okay. सुडान के साथ बताना है ऑप्शन बी इज बीज माइंड में विजुअलाइज करिए सुडान कहा है पहले बताइए किस कॉन्टिनेंट में है सुडान सुडान कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है यूरोप में है साउथ अमेरिका में है साउथ अफ्रीका में है अफ्रीका सॉरी अफ्रीका में है या फिर आपका नॉर्थ अमेरिका में है सूडान कहां पर है अफ्रीका यूरोप साउथ अमेरिका वेर इट इज विजुअलाइज करो सोचिए काफी बार पढ़ चुके हैं अफ्रीका साउथ अमेरिका मैं यूएसए कर देती हूं सॉरी अमेरिका करना होगा और या फिर यूरोप तीनों में से कहां पे है नॉर्थ अफ्रीका में हाँ बिल्कुल ठीक है अफ्रीका में है नॉर्थ अफ्रीका में बिल्कुल सही अब इसे एक बाउंड्री लगती है कुछ याद करिए यहां पे अगर सूडान है यहाँ पे इजिप्ट है थोड़ा सा माइंड करिए इधर क्या है ये रेड सी है हम्म लीबिया और यमन लीबिया तो है सोमालिया नहीं है सोमालिया होन ऑफ अफ्रीका जहां ये बन रहा है वहां पे है सोमालिया और उसके बीच में एरिट्री आ जाता है ओके okay. सोमालिया और येमेन नहीं है लीबिया है नीचे की तरफ लीबिया लगता है जहां साउथ सूडान है हम्म बिल्कुल रंजीत जहां साउथ सूडान है साउथ सूडान के पास लीबिया है ओके okay. तो इस तरीके से माइंड में बिठाइए जैसे है कि ये सूडान हो गया इसके यहाँ पे इजिप्ट है यहाँ पे रेड सी है यहाँ पे एरिट्रिया है इसके यहीं पे नीचे की तरफ इथोपिया है जो कि लैंडलॉक कंट्री है सुडान के नीचे यहाँ पे साउथ सुडान है इसके यहां इस वाली साइड लीबिया है और सोमालिया कहाँ रह गया एरिट्रिया और इथोपिया के इधर है सोमालिया कोने पे होन ऑफ अफ्रीका पे ओके चलिए अब ये रहा मैप ये देखो सुडान यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में है रेड सी इससे बाउंड्री बनाता है तो लैंडलॉक कंट्री ये नहीं है इसके इधर इजिप्ट है इधर लीबिया हो गया छठ इस साइड है लीबिया के नीचे फिर ये इसका नाम कुछ रिपब्लिक है क्रेजेक रिपब्लिक समथिंग इसका कुछ नाम है फिर ये साउथ सूडान हो गया इधर इथोपिया हो गया इधर एरिटरिया हो गया इथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इधर फिर ऊपर एरिट्रिया के पीछे जिबूटी है छोटा सा है जिबूटी है और फिर इसके बाद सोमालिया आता है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना रहा है यहाँ पे ठीक है याद रहेगा अब इस तरीके से माइंड में सोचिए ना उसको चीज को मैं आपको सोचिए यमन तो सामने वाली कंट्री में है वो तो पड़ो वो तो मतलब सामने वाले घर में है ये लगा लो सऊदी अरेबिया के पास में यमन बना रहा है ये हमारा घर है ठीक है इस तरीके से आपको याद करना है चलिए क्वेश्चन कल करते हैं गाइस अभी बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी टाइम ओवर हो गया है क्लास समझ में आई कि नहीं आई सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए कि नहीं हुए बताइए जो स्टूडेंट क्लास ऑफलाइन देख रहे हैं उनसे उन्हें भी ऑफलाइन के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन आता है कोई चीज समझ नहीं आती या कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड देन आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते आपकी हो आपकी क्वेरी रिजोल्व होगी लाइक एक स्टूडेंट ने आज किया था कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं वे सॉल्व नहीं होते हैं ओके कॉन्गो अफ्रीका रिपब्लिक ठीक है okay, Congo, Africa, Republic, कपिल आप ज्वाइन आपने लेट भी किया ऊपर से आपने इंटरेक्शन भी नहीं करा सो प्लीज ये चीज मत करिए इंटरेक्ट करिए अजय रेगुलर क्लास होती है सुबह नौ बजे शाम को छह बजे भी होगी जो जोग्राफी जो की होगी बट ये वाली जो क्लास है सुबह नौ बजे लाइव रेगुलर होती है डायरेक्ट नौ बजे से ही आप क्लास में आ जाया कीजिए ओके और एक तो सुबह नौ बजे ही आप क्लास में आ जाओ दूसरी बात जितने क्वेश्चंस का हम पूछते हैं आप लोगों से तो उसको स्क्रीन पे दिखते ही आंसर क्या कीजिए रिलैक्स करके चेयर पे मत बैठिए प्लीज और अपनी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इत, क्लास में इंटरेक्ट करके बैठिए ओके ऑफलाइन जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो आप लोगों को क्लास किस तरह लगी आप भी कमेंट करके क्लास में बता सकते हैं ओके एनी क्वेश्चन यू हैव गाइस कोई क्वेश्चन है यस डेली यूट्यूब पे स्टडी एज चैनल पे लाइव होती है कपिल एंड अजय ये जो इन्फॉर्मे ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होते हैं वो हिंदू से पीआईबी से एयर से और एक्सप्रेस से सभी जगह से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए उठाए जाते हैं ओके और ये मत समझिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन है अगर मानो सूडान है उस पर हमने ये क्वेश्चन पूछा कि आपने इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा ये न्यूज में नहीं था अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें सूडान की न्यूज आई है ये कहीं पे भी न्यूज में रहा है तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ठीक है तो आपको आंसर करना है सेकेंड थिंग इनक्वाइज जैसे हमने पूछा समथिंग सुनामी से रिलेटेड न्यूज थी वो उससे रिलेटेड कुछ थी तो उसको in check out करता है तो इंक्वाइज से रिलेटेड आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कब बना था या ये सब इसी तरीके से यूपीएससी पूछता है जो चीज न्यूज में काफी दिन लगातार रहती है उसी का ही क्वेश्चन चाहे करंट क्वेश्चन होता है या पहले का क्वेश्चन जो होता है उसमें से पूछ लिया जाता है ओके okay? कपिल uh, आजकल तो ये मानो कि करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं 2019 और 20 में ये बता दिया है कि सभी क्वेश्चंस मतलब करंट अफेयर करना इज वेरी मस्ट वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं बस फिर वो वहां से क्वेश्चन उठ गया आप लोगों के लिए राइट एनी क्वेश्चन यू हैव कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का शाम को छह बजे वाली क्लास में मिलते हैं ज्योग्राफी की सीरीज में तो उसको रेगुलर ज्वाइन करिए गाइज आपके वहां से जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर ज्योग्राफी का हो रहा है तो आप प्रीवियस क्लासेस भी देखिए सो दैट आप लोगों को पहले ही आइडिया हो जाए और उसके बाद लाइव क्लास भी ज्वाइन करिए लाइक like कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में अपने कनेक्शन में ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप स्टडी आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो सो so दैट आपको हर क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाए अन अकेडमी अंकिता जिंदल इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए स्टडी आइए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आप लोगों को हर क्लास की इंफॉर्मेशन मेंस की स्ट्रेटेजी प्रिलिम्स की प्रैक्टिस ये सारी चीजें आप लोगों के साथ होती जाए थैंक यू सो मच फॉर द गाइज एंड हैव ए नाइस डे अहेड आप लोग ये सब चीजें